अगर आपको एंगल ग्राइंडर, कटिंग टूल या अन्य पावर टूल्स, अगर इसके स्पीड को कंट्रोल करना है तो इस स्पीड कंट्रोलर से आराम से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और इससे 2000 वाट तक के पावर टूल्स का स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो ये आपको 700 से 800 रुपए का पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप इसे घर पर बनाते हैं तो टोटल खर्च, वेस्ट मटेरियल तक का लेकर खर्च आपको 250 रुपये मात्र पड़ेगा। और यहाँ पे मैं केवल एंगल ग्राइंडर को ही चला रहा हूँ, आप कोई भी टूल चला सकते हैं। बस ये ध्यान देना है आपको कि उसका वाट जो है, पावर जो है, वो 2000 वाट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये स्पीड कंट्रोलर 2000 वाट तक के पावर टूल्स को कंट्रोल कर सकता है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पीवीसी पाइप का टुकड़ा, जो कि एल शेप में मैंने लिया है। आप चाहें तो इसको अलग अलग ले सकते हैं, जिसकी लंबाई 9.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, और कुछ इस तरह के शेप में हम लेंगे दो सीट, जिसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, लंबाई 10.5 सेंटीमीटर। 10 से थोड़ा सा कम है, आप अपने अनुसार ले लीजिएगा। और यहाँ पर हम लेंगे कुछ पीवीसी पाइप के छोटे छोटे टुकड़े, क्योंकि इसमें हम लगाएंगे ये स्क्रू, ताकि बाद में अगर रिपेयर करना हो तो आराम से रिपेयर कर सकें। एक लेंगे 5 पिन टॉप एसी सॉकेट, 2 पिन टॉप प्लग, और उसके साथ कुछ वायर, लगभग 1 मीटर का है। और यहाँ पर 2 टुकड़ा और वायर का, इसको कनेक्ट करने के लिए। फाइनली ये है स्पीड कंट्रोलर, और ये एसी का है, डीसी भी आता है हालांकि, लेकिन हमें चाहिए एसी स्पीड कंट्रोलर। यहाँ पर आप कनेक्शन देख लीजिए, बहुत आसान है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आउट लिखा है, आउट एल, आउट एन। यहाँ से हम आउटपुट देंगे सॉकेट में। एल का मतलब फेज होता है, एन का मतलब न्यूट्रल होता है। और ऊपर जो देखेंगे इन लिखा है, यहाँ पर हम डायरेक्ट प्लग से पावर सप्लाई इन कराएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर वाला जो है, ये दोनों न्यूट्रल है और बीच वाला फेज है। कनेक्शन में सिर्फ ये ध्यान देना है कि कौन सा आउटपुट है और कौन सा इनपुट है, बाकी न्यूट्रल फेज इधर उधर हो सकता है, कनेक्शन गलत नहीं होगा। यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर दिया है, हालांकि ये भी पोटेंशियोमीटर है, लेकिन इससे क्या होगा, जब हम इस स्पीड कंट्रोलर से बिल्कुल जीरो रखेंगे तो इससे हम मैनेज कर सकते हैं, इस वाले पोटेंशियोमीटर से, कि हमें जीरो पर कितना वोल्टेज चाहिए, जिससे कि जो भी हम टूल्स लगाएं रन कर सके। अब चलिए हम इस सीट को लेते हैं और इस वाले साइड को नीचे रखेंगे और इस एल शेप को कुछ इस तरह से हम लगा देंगे। इसके बाद से हम ग्लू गन से इसको चिपका देंगे। तो चिपकाने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा बॉक्स। अब बारी आती है यहाँ पर इस छोटे छोटे टुकड़े को लगाने की, जिसमें कि हम स्क्रू लगाएंगे। तो इसको चिपकाने से पहले यहाँ पे सैंड पेपर से इसको घिस देते हैं, जिससे कि आसानी से ये चिपक सके। इसको हमारे यहाँ रेंगमार बोलते हैं। उसके बाद से हम इंस्टेंट ग्लू से इसको चिपका देंगे, जो कि घिसने के बाद बहुत आसानी से चिपक जाएगा। और चारों को चिपका लेने के बाद हम सैंड पेपर से इसको घिस देंगे, जिससे कि चारों ऊपर प्लेन हो जाए। और उसके बाद से इसमें हम ड्रिल कर देंगे, जिससे कि इसमें स्क्रू लगा सकें। तो चलिए जल्दी से इसको पूरा करते हैं।
होल करने के बाद ऊपर जो हम सीट लगाएंगे इसमें भी मेजरमेंट करके होल कर लेते हैं, जिससे कि स्क्रू को हम बंद कर सकें। उसके बाद से इस स्पीड कंट्रोलर को हम अंदर रखेंगे और मेजरमेंट कर लेंगे, साथ ही सॉकेट को भी रख लेंगे जिससे कि हमें दूरी का पता चल सके, और उसके बाद से मेजरमेंट करके इसका भी होल कर लेंगे और उसके बाद से इसमें हम लगाएंगे। तो चलिए इसको भी हम होल कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा स्पीड कंट्रोलर लग चुका है। अब सॉकेट को लगाने के लिए सबसे पहले इसका हम मेजरमेंट कर लेंगे। आप जिस तरह चाहे मेजरमेंट कर लें, या फिर मैं जिस तरह कर रहा हूँ उस तरह से मेजरमेंट कर लें। और मेजरमेंट करने के बाद हम इसमें होल करके यहाँ पर हेक्सा ब्लेड से इसको कट करके बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इसको हम कट कर लिए हैं, और उसके बाद से इसमें सॉकेट देख सकते हैं बिल्कुल आराम से लग चुका है। अब इसको लगाने के बाद बारी आती है इसके कनेक्शन की। जैसा कि मैंने बताया था कि सॉकेट में आउटपुट वाले सेक्शन से वायर निकलेगा और वहाँ पर कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर मैं ब्लू वायर और ब्लैक वायर आउटपुट से निकालूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों आउटपुट से दो वायर निकला है, और यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है कौन सा फेज है कौन सा न्यूट्रल है। वैसे मैं फेज वाले को फेज से, न्यूट्रल वाले को न्यूट्रल से, यहाँ पर LN लिखा है जो कि सॉकेट में भी लिखा है और स्पीड कंट्रोलर में भी लिखा है, तो उसके हिसाब से मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसका कनेक्शन इधर उधर भी कर देते हैं, कहने का मतलब आउटपुट से जो दो वायर निकलेगा उसको सॉकेट के दोनों पॉइंट से या तो फेज वाले में या न्यूट्रल वाले में किसी में भी कनेक्ट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ये ध्यान देना है आउटपुट वाले का कनेक्शन सॉकेट में होगा। उसके बाद से इस सॉकेट को इस PVC शीट में कसने के लिए दो होल कर लेंगे, उसके बाद इसमें स्क्रू लगाकर इसको कस लेंगे। उसके बाद से इस PVC सीट के पीछे हम एक होल कर लेंगे जिससे कि तार को हम अंदर डाल सके, और इसका कनेक्शन हम इनपुट वाले सेक्शन से करेंगे जो कि इनपुट के लिए दो पॉइंट दिए हुए थे, एक फेज और एक न्यूट्रल, वहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे। और कोई भी वायर किसी में भी कनेक्ट हो, यानी कि फेज वाला न्यूट्रल में, न्यूट्रल वाला फेज में कनेक्ट हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये 2-पिन टैप है। बस आपको ये ध्यान देना है कि इस 2-पिन टैप का कनेक्शन इनपुट वाले सेक्शन में करना है, आउटपुट वाले सेक्शन में भूल कर भी मत कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा सभी कनेक्शन हो चुका है। अब जो PVC पाइप बाहर निकला हुआ है इसको हम सैंड पेपर से घिस के सही कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंड पेपर से घिसने के बाद, फिनिशिंग देने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा स्पीड कंट्रोलर, जो कि मार्केट में मिलने वाले स्पीड कंट्रोलर की तरह ही दिख रहा है। बाकी इसकी टेस्टिंग हमने शुरू में ही करा दिया था, तो दोबारा अब कराने की ज़रूरत नहीं है।